नमस्कार, सुचित्रा पांडे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सूजी का गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और होते हैं। आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। इसे बनाने में जिन सामग्रियों की ज़रूरत है उन्हें मैं बताती हूँ। मैं सबसे पहले दूध लूँगी, 2 कप। ये दूध है 2 कप। 1 कप सूजी लूंगी, 1.5 कप चीनी लिया है। चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप पानी की आवश्यकता है, वो मैंने लिया है। 1 कप मैंने इलायची पाउडर लिया है, 2 चम्मच देसी घी है, और तलने के लिए रिफाइंड, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में पानी को उबलने के लिए रखी हूँ। पानी में जैसे ही उबाल आएगा मैं चीनी ऐड करूँगी। पानी उबाल आ चुका है और मैं चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। चीनी को डालने के बाद मैं इसे धीरे धीरे चलाऊँगी। चीनी डालने के बाद चाशनी को धीरे धीरे घुमाना है, वरना चीनी नीचे चिपक जाएगी और हमारी चाशनी जल सकती है। इसमें मैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड की हूँ। इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ 5 मिनट उबालना है। चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। अब मैं दूसरी तरफ एक कढ़ाई रख के उसमें 1 चम्मच घी डाल के गर्म कर रही हूँ सूजी का डो बनाने के लिए। अब इसमें मैं 2 कप दूध डाल के उबाल आने तक पकाऊंगी। इसमें मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड की हूँ और इसे उबाल आने दूंगी। दूध में जब अच्छी तरह से उबाल आने लगेगा फिर मैं इसमें सूजी ऐड करूंगी। देखिए धीरे धीरे अब उबाल आना शुरू हुआ है। जैसे ही इसमें पूरी उबाल आएगा, देखिए उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी को ऐड करते हुए मैं दूसरी तरफ दूसरे चम्मच से हाथ से इसे कलछी की सहायता से चलाती जाऊंगी, वरना सूजी में गुठलियाँ पड़ जाएगी और हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए मैं धीरे धीरे इसे कलछी की मदद से मिक्स करती जा रही हूँ दूध में। ये गाढ़ी होने लगी, दूध में ही सूजी जो है पूरी तरह पक के एक अच्छी डो बन जाएगी। ये देखिए बिल्कुल दूध सूख चुका है। अब मैं एक थाली में 1 चम्मच घी डाल के चारों ओर फैला दूंगी और उसमें जो मैंने दूध में सूजी को पकाया है उसको थाली में निकाल के मसल के अच्छी तरह एक नरम आटे की तरह डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छा डो तैयार कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के गुलाब जामुन बना लूँगी सारे डो के। ये देखिए एक एक करके मैंने सारे डो बना लिए हैं। अब मैं इसे तेल में फ्राई करूँगी। कढ़ाई मैंने रख दी है तलने के लिए। अब इसमें मैंने तेल डाला है। तेल के गर्म होते ही मैं एक एक गुलाब जामुन डाल के तलना शुरू करूँगी। गुलाब जामुन को ज़्यादा तेज आंच पे नहीं तलना है। तेल को मैं चेक कर रही हूँ, तेल अभी नहीं गर्म हुआ है। फिर से मैं एक बार चेक की, ये देखिए हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं एक एक करके बॉल डालना शुरू करूँगी। ताकि अच्छे तरह से तल जाए। एक साथ ज़्यादा बॉल्स नहीं डालने हैं, वरना एक दूसरे में चिपकने लगेंगे। गैस को सिम कर देंगे और इसको ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारे गुलाब जामुन धीरे धीरे ब्राउन होने लगे हैं। देखिए पूरे ब्राउन हो गए हैं। अब इसको बर्तन में निकाल कर मैं चाशनी में डुबोऊंगी। ये देखिए मैंने
गुलाब जामुन को निकाल कर चाशनी में डुबो दिया है। ये देखिए हमारी गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं, कितना सॉफ्ट है, स्पंजी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।